चलो तुम बहुत हैरान भी हो, आ जाओ। हाँ कहाँ से आए? यही विरार का हूँ। हाँ विरार से। मुंबई में ही है? हाँ मुंबई में। अच्छा पहली बार आए? हाँ यूट्यूब से मैं जुड़ रहा, 2 साल से हूँ यूट्यूब पे देख रहा हूँ। यूट्यूब से आप कब से जुड़े? दो साल हो। 2 साल से जुड़े? आ नहीं पाए? नहीं इच्छा होती थी लेकिन मैं देख के मेरे को मन को शांति लगती थी। यूट्यूब पे आपका वो सब देखता था ना दरबार, वो देख के मेरे को शांति लगती थी मन में। वाह क्या कहना, पूछो क्या बात। आप ही बता दो। हमने लिख लिया है, पूछो। मेरा लॉकडाउन में जब पहला लॉकडाउन हुआ ना तभी ये प्रेग्नेंट थी, 5-5.5 महीना बच्चा था मेरा। कोई बात नहीं। माँ बाप ने घर से निकाल दिया है मुझे, बहन लोग से मेरा कुछ जमता। कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हो? आओ नजदीक लिखो। मुझे वो टाइम पे घर में जो हुआ था ना क्लेश, हुँ? घर में क्लेश जो हुआ था बाहर के प्रेत बाधा का बहन के ऊपर। कोई बात, मन अशांत रहता, विविध प्रश्न है, परेशानी बनी, संतान कामना है, जो पूर्ण होगी कलेश शांत होगा, समय भर लगेगा घर में सामंजस्य बनने में, आशीर्वाद है। क्रिया का प्रयोग किया गया है, 2019 में किया है पहला प्रयोग, पूर्व का नहीं है, 2019 का है। 2019 से ही सब उल्टा हुआ है। गर्भस्थ समस्या जो बनी थी वो भी मसान के कारण बनी है, इसलिए रात्रि में स्वप्न का भाव बन, स्वप्न ज़्यादा परेशान करते हैं, हाँ या ना? स्त्री और बालक बार बार परेशान करता, एक छोटा सा मुंडा सा बालक आता है मुंडा और ये बार बार परेशान करता है। घर पर क्रिया का प्रयोग किया गया, तुमने भावावेश में गलत शब्दों का प्रयोग घर के लिए भी किया, बुद्धि तुम्हारी ठीक नहीं थी, जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत तुम्हें नेकलेट यानी इग्नोर इग्नोर करना किया गया है। तंत्र में मसान विद्या का प्रभाव है, बीच में दो बार आप उसकी ठीक के लिए प्रयोग भी करवा चुके, ऐसा नहीं है, दो बार आप प्रयोग भी करवा चुके, जानकार सिद्ध संत कुछ भी आप कह सकते हैं, हमारी भाषा में तांत्रिक भी उन्हें कह सकते हैं, तो आप दो बार प्रयोग भी करवा चुके, उसका दुष्परिणाम निकला, सुपरिणाम नहीं आया है। चूंकि आप शिव भक्त हैं, हाँ जी आप शिव भक्त हैं, शंकर जी को बहुत मानते हैं, पारा जी का शंकर जी के पूजा करने का भाव बहुत रहता है, इस फटक या पारा के बड़े शंकर जी रखें, शिवरात्रि की बड़ी लंबी पूजा करें, अनेक ऐसे भाव आपके मन में चलते हैं बीच में, लेकिन गलत आचरण कुछ कुछ तुम्हारे होने के कारण हमारी भाषा समझ गए हो गए, अब हम खोलबो नहीं चाहित के कौन कौन ब्रांड लेत, ठीक है, तो गलत आचरण के कारण तुम्हारी बुद्धि में आवेश आ रहा है, आवेश यानी क्रोध, क्रोध आज से शांत होगा, संतति योग बनेगा, लेकिन डॉक्टर अंदर से दिक्कत भी बता रहे, गर्भाशय में किंचित मात्र समस्या बता रहे, ट्यूब की समस्या हमारी इसमें बन रही है, हमारी जांच में, हाँ या ना? ये आराम लग जाएगा, हमने डिटेल ले ही ली, बालाजी के चरणों में हमने प्रार्थना डाल दी है, आप मंगल की पेशी करो और खूब भोले बाबा को ध्याओ, वही भोला तुम पर कृपा कर देगा। और एक बात है, ये जो आपने बोला ना मशान विद्या का, ये मशान विद्या का जो बोला ना आपने, ये मेरे को स्वप्न में आपके माध्यम से पता चला था। किससे? स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न में हमने बताया था? मैं खाली मैं बोला कि मेरे अर्जी लग जाएगी तो मैं खुद बता दूंगा, लेकिन ये मेरे को जब पर्चा बना था वो सेम यही ड्रेस पहना हुआ था वाइट कलर का, ये ड्रेस कल हम वाइट पहन के आएंगे, हम भी पहनते हैं, तो उसमें ऐसा बताया था कि आपके ऊपर मशान विद्या, इसके लिए बच्चे का तकलीफ है। और दूसरी बात बोलना था मुझे कि ये जो मेरे जो भगवान की कुछ है क्या? हाँ देख लिए। अच्छा इसमें एक कारण हुआ, वो हम चर्चा करना नहीं चाह रहे थे आपसे, आपने खोल दिया तो हम उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कृपा है इसको हम नकार नहीं रहे, रुद्रगण है इसको भी नहीं नकार रहे, लेकिन तुम दूसरों का भला कर देते हो। हाँ अब नहीं समझे होंगे, अब हम तुम्हें अब तुम्हारी भाषा में समझाएं, जब तक खुद के घरे उजियारो ना हो दूसरे के घरे तुम दिया ले फिर रहे,
नहीं समझ रहे, समझ गए। हाँ यही बहुत बड़ी गलती तो की है। आपको कुछ दिखाई पड़ता नहीं है, समझ में कुछ आता नहीं है, प्रयोग करके कह देते हो जाओ ऐसा होगा, सामने वाला जय बोलने लगता, कहीं मीटिंग करने जाना हो तो तुम कह देते ऐसा ऐसा करके जाना, वो तुम्हारे पॉजिटिव में होगा, वो पॉजिटिव हो जाता तो बहुत अच्छा है, व्यवस्था है। लेकिन गुरु नहीं है तुम्हारे पास, गुरु नहीं है, तुम्हें पता नहीं, समझ नहीं आता है, फिर ABCD पता, एक लेवल तक कैच कर पाते हो, लेवल से बाहर नहीं जा पाते। तब तो हमने कहा कि शिव कृपा भयंकर है, हमने किसी और को तो कहा नहीं, सिर्फ तुम्हें कहा, क्योंकि तुम्हारे पास हमारे पास तरंग आ गई। लेकिन उस पर चर्चा हम इसीलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि गलत मार्ग भी हमने तुम्हारे बताए, तो उसके लिए क्या करना, पहले गंभीर बनो, पवित्र बनो, किसी गुरु का आश्रय लो, किसी श्रेष्ठ गुरु का आश्रय लो, जो लालची ना हो तुम्हें गलत, तांत्रिक के चक्कर में भी मत पड़ना, तांत्रिकों की दुकान भयंकर है, ये देख ध्यान दीजिएगा, तो दुकानों के चक्कर में नहीं पड़ना। गुरु टीवी भी इस पर भी नहीं हो सकता, बाहर हो सकता, टीवी के बाहर भी, हमारे जैसे कबाड़ियन के चक्कर में भी मत पड़ना, किसी श्रेष्ठ गुरु की तलाश करो, तलाश नहीं उनका ध्यान करो, वो आएंगे कभी ना कभी, ऐसे ही स्वप्न में वो कृपा कर जाएंगे, बस इसके बाद नाम जप करो, पहले तुम्हारे घरे उजियारो हो, फिर इस पे हम चर्चा कर भी, ये यात्रा अभी 3 साल चलेगी, 3 साल के बाद हम तुम्हें साधना में लाएंगे, आशीर्वाद। क्या पहले से बताया? कुछ नहीं, मेरे मन में, मैं रात को सोया नहीं, मैं आज आना है, क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, यही मन में चल रहा था, क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, अचानक आ गए। लेकिन बता तो हमने दिया, तुमने पूछो ही कहा है, तुमने तो पूछो ही नहीं यहाँ कछु। बिल्कुल चिंता मत करो, वो साधारण अंश नहीं है, लौट के आ जाएगा। सपने में हम बंद करवाए, लौट के आ जाए, जाओ रो मत, कह दिया सो कह दिया, कह दिया सो कह दिया, जाओ लो खुश। लेकिन उनके शरण पकड़ो, उनके चरण पकड़ो, झंझट खत्म। हम कुछ नहीं जानते, नहीं हमारे नहीं, उनके ही, हमारे नहीं, उनको ही पकड़ो। हमको पकड़ोगे तुम हमें फंसा दो, कौन उन्हें मारो और हमें, तुम तो 2.5-3 क्विंटल के, हम 1.5 हड्डी के पब रही।